चैनल द गोल्डन लॉ। तो लास्ट लेक्चर में आज ये नो कि हमने बात की थी टॉर्च के कुछ जनरल डिफेंसेस की, व्हिच इज वॉलंटरी नॉन फिट इंटीरियर। तो आज हमने नेक्स्ट आज हम अपने इस लेक्चर में कुछ और डिफेंसेस की बात करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट नाउ वी हैव इज इनएविटेबल एक्सीडेंट। अब ये नॉर्मली अगर हम एक्सीडेंट की बात करें तो एक्सीडेंट क्या होता है, जनरली अगर हम बात करें तो एक्सीडेंट क्या होता है? एक्सीडेंट मीन्स कि कोई भी ऐसी इंजरी जिसे आपने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था, एनी अनएक्सपेक्टेड इंजरी जिसने आपने सोचा भी नहीं था, इट वॉज जस्ट अ एक्सीडेंट, आपने पूरे प्रिकॉशन। तो एक्सीडेंट क्या होता है कि एक अनएक्सपेक्टेड इंजरी जिसको किसी भी पर्सन ने एक्सपेक्ट नहीं किया होता है, पूरी रीजनेबल केयर पूरा प्रिकॉशन रखने के बाद भी कोई ऐसी इंजरी जो कि पूरी तरह से अनएक्सपेक्टेड है, जिसे कोई भी पर्सन फोर्स ही नहीं कर सकता था, उसे मतलब उसे नहीं पता चल सकता था कि या दैट कैन हैपन, या फिर उसे पूरी रीजनेबल केयर करने के बाद भी कोई ऐसी इंजरी जिसे अवॉइड नहीं किया जा सकता था, दैट सच एन इंजरीज जो होती है वो क्या होती है, वो एक्सीडेंट होता है। अभी अगर हम डेफिनेशन देखें इसमें, तो डेफिनेशन क्या है कि एन अनएक्सपेक्टेड इंजरी विच कांट बी फोर्सीन और अवॉइडेड इन स्पाइट ऑफ ड्यू एंड रीजनेबल केयर। तो कोई भी एक्सीडेंट क्या होता है, कोई भी इंजरी जिसे पूरी रीजनेबल केयर करने के बाद भी अवॉइड नहीं किया जा सकता था। सो अकॉर्डिंग टू पॉलॉक, ठीक है, अभी इनएविटेबल एक्सीडेंट का मीनिंग ये नहीं होता दैट इट्स कम्प्लीटली इनएविटेबल, बिल्कुल ही एब्सोल्युटली इनएविटेबल है, बट उसका क्या मीनिंग है कि जिसे हम फोर्स ही नहीं कर सकते, यहाँ पे पूरे प्रिकॉशंस रखने के बाद भी कोई इंजरी है जिसे अवॉइड नहीं किया जा सकता, दैट इज इनएविटेबल एक्सीडेंट। अभी तो इस जो इनएविटेबल एक्सीडेंट है, इससे भी जो डिफेंडेंट है वो डिफेंस ले सकता है कि उसमें जो था कि पूरा प्रिकॉशन रखने के बाद, पूरी रीजनेबल केयर रखने के बाद भी अगर ये इंजरी हुई है तो इट वॉज रियली अनएक्सपेक्टेड इंजरी। इसी के रिगार्डिंग दो केस भी हैं। फर्स्ट वी हैव पद्मावती वर्सेस दुर्गा नायका। ये केस हमने लास्ट लेक्चर में भी समझा था कि एक जो पर्सन था वो अपनी जीप में जा रहा था, सडनली टू स्ट्रेंजर्स ने उनसे लिफ्ट ली, तो लिफ्ट ली जब उसके बाद रास्ते में जो सामने वाला जो टायर था उसका जो बोल्ट था वो निकल गया, जिसकी वजह से वो जो टायर था वो निकल गया, एंड जो दोनों ही स्ट्रेंजर्स थे उनको काफ़ी चोटें लगी, एंड जिसमें से एक स्ट्रेंजर की चोटों की वजह से डेथ भी हो गई थी। तो उन्होंने जो पर्सन था जो जीप चला रहा था उसे स्क्यू किया था, तो उसमें ये चीज़ हेल्प की गई थी कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो इट वॉज अ प्योर एक्सीडेंट, तो ये क्या था, ये प्योरली एक्सीडेंट था, और ड्यू और रीजनेबल केयर जो थी उसे लेने के बाद भी जो ये एक्सीडेंट था ये अवॉइड नहीं किया जा सकता था। एंड देन सेकेंड वी हैव स्टैनली वर्सेस कोविल। तो इस केस में भी क्या था कि ये दोनों जो पर्सन्स थे वो शूटिंग के लिए गए थे, और जो मतलब डिफेंडेंट था ही वॉज शूटिंग, और वो एक फ्रेस इंड्रिक बर्ड है उसे शूट कर रहा था, तो गलती से तो जो गोली थी वो प्लेंटिफ को लगी। तो इस केस में भी ये चीज़ हेल्ड हुई थी कि इट वॉज जस्ट एन एक्सीडेंट, एंड जो ड्यू एंड रीजनेबल केयर करने के बाद भी इसे अवॉइड नहीं किया जा सकता था। सो नेक्स्ट डिफेंस वी हैव इज एक्ट ऑफ गॉड। तो अभी एक्ट ऑफ गॉड क्या होता है? एक्ट ऑफ गॉड मीन्स कि कोई भी ऐसा एक्सीडेंट जो ह्यूमंस की वजह से नहीं बल्कि नेचुरल फोर्सेस की वजह से हुआ है। अब जैसे कि अर्थक्वेक आ जाना, या स्टॉर्म्स आ जाना, या फिर फ्लड्स, वोल्केनिक इरप्शंस, ऐसी सब जो चीज़ें होती हैं जो नेचुरल फोर्सेस की वजह से होती है, वो सब क्या होती है, वो एक्ट ऑफ गॉड में आता है, ठीक है। अभी तो ये सारी जो ये जो एक्ट ऑफ गॉड है ये भी एक डिफेंस होता है कि अगर कोई भी ऐसा एक्सीडेंट हो जाए किसी भी मतलब कि अगर कोई भी ऐसा एक्सीडेंट है जो किसी ह्यूमन की वजह से नहीं बल्कि नेचुरल फोर्सेस की वजह से हुआ है, तो उस केस में भी जो डिफेंडेंट है वो जो डिफेंस है वो ले सकता है। लेकिन अब इसका डिफेंस लेने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, जैसे कि जो भी एक्ट ऑफ गॉड है, जो भी नेचुरल फोर्सेस की वजह से जो भी नुकसान हुआ है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑप्शन ऑफ सर्कमस्टांसेस होनी चाहिए। मीन्स कि नॉर्मली कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे अगर आप थोड़ा सा प्रिकॉशन देते या फिर अगर आप कुछ ऐसा कर लेते तो वो जो था वो गार्ड किया जा सकता था। अब जैसे कि थोड़ी बहुत बारिश हो, ठीक है, तो उसके लिए बांध जो है वो बनाए होते हैं, तो अगर नॉर्मल सी बारिश हो तो उस केस में जो बांध है वो कुछ भी मतलब ऐसा जो फ्लड्स वगैरह है वो आने से रोक देते हैं, ठीक है। तो अगर कोई भी ऐसी चीज़, लेकिन अगर वही बारिश इतनी ज़्यादा तेज़ हो जाए कि बांध अगर जो है वो टूट जाए, तो उस केस में जो है दैट वॉज दैट
what we can is act of God. तो act of God क्या होना चाहिए? That there must be extraordinary occurrences of circumstances. जैसे हम normal person जो है वो guard against नहीं कर सकता even after taking the number of precautions. ठीक है? और जैसे मतलब foresee नहीं किया जा सकता. और जो भी है वो प्योरली नेचुरल फोर्सेस की वजह से होना चाहिए विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन. ठीक है, तो ये हम कह सकते हैं कि इसके एसेंशियल्स क्या है. ये डिफेंस लेने के लिए दो चीज़ें हैं वो ज़रूरी होनी चाहिए कि एक तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑकरेंस ऑफ सर्कमस्टांसेस होनी चाहिए. ठीक है, एंड सेकेंडली जो भी एक्ट है वो प्योरली फ्रॉम नेचुरल कोर्स यानी कि नेचुरल फोर्सेज की वजह से होनी चाहिए. तो ये जो दो इन्ग्रीडियंट्स हैं, ये जो दो एसेंशियल्स हैं वो ज़रूरी हैं इसके अंदर डिफेंस लेने के लिए. तो इस केस ऑफ निकोलस वर्सेस मार्सलैंड, तो इस केस में क्या हुआ था कि जो डिफेंडेंट था उसने कुछ आर्टिफिशियल जो थी वो लेक्स बनाई थी फ्रॉम नेचुरल स्ट्रिंग्स. तो जिसकी एक बार क्या होता कि काफी तेज जो थी वो बारिश हुई थी जिसकी वजह से कि जो डिफेंडेंट था उसकी चार जो ब्रिजेस थी वो डैमेज हो गए थे. तो इस केस में जो कोर्ट था उसने ये चीज हेल्ड की थी कि जो बारिश थी वो इतनी ज़्यादा थी दैट वॉज एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑकरेंस ऑफ सर्कमस्टांसेस, क्योंकि उस टाइम पे जो रेनफॉल हुआ था वो इतना ज़्यादा मतलब तेज था, इतना ज़्यादा था कि कोई भी पर्सन जो था उस पर गार्डिंग नहीं कर सकता था. तो उस केस में जो कोर्ट था उसने ये चीज़ सेंड की थी कि दैट वॉज अ नेचुरल कोर्स एंड इट वॉज एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑकरेंस ऑफ सर्कमस्टांसेस. तो उस केस में जो डिफेंडेंट था वो ये जो डिफेंस था वो ले सकता था. एंड देयर वॉज वन मोर केस विच इज कल्लू लाल वर्सेस हेमचंद. इस केस में भी क्या हुआ था कि थोड़ी सी रेनफॉल हुई थी जिसकी वजह से जो दीवारें बनाई गई थी वो टूट गई थी जिसकी वजह से कि जो प्लेंटिव था उसके दो बच्चों की डेथ हो गई थी. तो भी यहाँ पे ये चीज हेल्ड हुई थी कि जो बारिश थी वो इतनी ज्यादा तेज नहीं थी, अगर दीवार अच्छे तरीके से बनाई होती, अच्छे मटीरियल से बनाई हुई होती तो वो नहीं टूटती. तो देयर वाज नो एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑकरेंसेस ऑफ सर्कमस्टांसेस. तो उस केस में ये जो डिफेंस था वो इस केस में नहीं माना गया. So this was for today. I hope you liked my video. अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो then do like my video and subscribe my channel for more such strong videos. Thank you guys.